नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं वर्षा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एकता के लिए दौड़ में देशवासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया और कहा कि 31 अक्टूबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी जो विश्व में देश का नाम बढ़ाएगी। मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 49वें संस्करण में कहा कि इस साल भी सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को एकता के लिए दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ में देशवासियों को बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार सरदार पटेल की जयंती विशेष होगी क्योंकि उस दिन गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। उन्होंने कहा कि यह विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में शनिवार देर रात हुए आतंकवादी हमले में राज्य पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बड़गांव जिले के चरारी शरीफ में देर रात कुछ आतंकवादियों ने राज्य पुलिस के एक एसपीओ मोहम्मद हाफिज के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद हाफिज घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में भेज दिया गया। एसपीओ मोहम्मद हाफिज चरारी शरीफ के उपजिला अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत हैं। हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी फरार हो गए। एसपीओ पर हमला करने के बाद आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रही गिरावट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 33 पैसे सस्ता हुआ। तेल विपणन कंपनियों ने देश के अन्य शहरों में भी दोनों जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में कटौती की है। पेट्रोल के दाम लगातार 11वें दिन और डीजल के दाम लगातार 4थे दिन घटाए गए। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 40 पैसे सस्ता होकर 80.05 रुपए प्रति लीटर और डीजल 33 पैसे सस्ता होकर 74.05 रुपए प्रति लीटर रह गया। वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे घटकर 85.54 रुपए और डीजल की कीमत 35 पैसे घटकर 77.61 रुपए प्रति लीटर रही। कोलकाता में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 33 पैसे सस्ता होकर क्रमशः 81.92 रुपए और 75.90 रुपए प्रति लीटर बिका। चेन्नई में पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 35 पैसे सस्ता हुआ और इनकी क्रमशः कीमत 83.18 और 78.29 रुपए प्रति लीटर रही। और अब खबर खेल के मैदान से। मौजूदा विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई गोल्ड मेडल विजेता जापान को 3-2 से हराकर हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां अब खिताब के लिए उसका सामना पाकिस्तान से होगा। यहां शनिवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शूटआउट में 3-1 से मात देकर फाइनल में कदम रखा था और अब भारत के फाइनल में पहुंचने से दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।